ट्रीटमेंट बताते हैं किसी को प्री अगर प्रिकॉशंस करने हैं नजर से या हसद से तो उसका क्या? अच्छा, प्रिकॉशन के लिए बीमारी होने से पहले करना जरूरी है, बेहतर है। इसके लिए दो चीज जरूरी है। एक तो ये है कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी को आप हाई रखना चाहिए हमेशा, ठीक है। वो कैसा रखेंगे आप? जितना नंबर वन, जितना इबादत करेंगे आप, ठीक है, दुआ पढ़ेंगे, अजकार पढ़ेंगे, अजकार सभा मॉर्निंग के अजकार, शाम के अजकार, नमाज के बाद के अजकार, ठीक है, नींद सोने से पहले अजकार, जितना आपका जबान जो है अल्लाह के अजकार और कुरान और हदीस से जो है मशगूल रहेगा, उतना आपकी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ते जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ जो पॉजिटिव एनर्जी आपकी बढ़ाती है वो है हुस्ने ज़न, कि मैं हमेशा अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा सोच हमेशा अच्छाई के लिए है, ठीक है। मैं डिप्रेस नहीं हूँ, मैं जो है मुतशाहिम नहीं हूँ कि मैं बुरी सोच में जा रहा हूँ, अगर उससे नेगेटिव एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। आई शुड बी पॉजिटिव इन माई थिंकिंग, ठीक है। तो ये दो चीज़ें होंगे, सॉरी ये एक चीज़ समझी जाए आप इसमें। दूसरी चीज़ ये कि आई मस्ट कीप माई बॉडी हेल्दी, तो मेरी बॉडी जो है हमेशा हेल्दी रहनी चाहिए। कैसा? बाई एक्सरसाइज, ना कि जो भी खाना जो आप खाना नहीं चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जिसम को हमेशा आप तो वॉकिंग करीजिए रोज़ाना जो है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको हिफाजत हो सकती है। अच्छा, कुछ लोगों का तजुर्बा ये है कि अगर आप आयत कुर्सी 21 मरतबा पढ़ के पढ़ लिए रोज़ाना जो है तो उससे प्रिकॉशन होता है। मैं तो वो तजुर्बा नहीं कराऊँ, लेकिन कुछ लोगों का कहना तजुर्बा है। लेकिन हम ज़्यादा इस पर जोर दिए हैं कि आपकी नॉर्मल लाइफ रखीजिए, आप जो नॉर्मल जो आपसे आपको इस्लाम में आपका इरशाद आता है अज़कार की तरफ, कुरान की तरफ जो है, कम से कम आपको पता होगा कि जो है एक मुस्लिम बंदे को कम से कम 40 दिन में तो कुरान ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो आप उसको मुसलसल रखें, एक महीने में आप ख़त्म कर लीजिए, एक बार आपसे जो आधा घंटा नहीं लेगा। और बाय द वे एक बात यह है कि अगर कोई बोलता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी बहुत लोग रिलाइज कर रहे हैं, ऑब्जर्व रहे हैं कि अगर आप जो है तात के लिए टाइम देंगे तो अल्लाह आपको टाइम में बरकत देगा। अगर आप तात के लिए टाइम नहीं देंगे तो आपसे बरकत छिन ली जाएगी और आप जो है बस दुनिया में सोए से जानवर रहते हैं ना, उसी जो है आप उसी आप चलते रहेंगे। लेकिन आप बोलेंगे भाई मुझे अल्लाह को टाइम देना है, मुझे नमाज जाके पढ़ना है, विच इज़ गोइंग टू टेक फ्रॉम मी लाइक 15 मिनट्स ईच प्रेयर, ठीक है, मुझे कुरान पढ़ना है जो विच इज़ गोइंग टू टेक फ्रॉम मी हाफ एन आवर वन आवर या जो भी है, ठीक है। तो जितना आप जो है अच्छे काम करेंगे उतना टाइम आप अल्लाह को देंगे, उसके मुताबिक अल्लाह सुभान व तआला आपको जो है लाइफ में बरकत देगा। यू विल फील, और हम लोग ये तजुर्बा करें हैं कि यू विल फील कि वाकई आपको उतना ज़्यादा टाइम मिल रहा है और दूसरी चीज़ें करने के लिए।